प्रीत, जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। आज भारत की बात बता रहा हूँ, भले ही भारत में इतना करप्शन है, मैं बात करता हूँ मेडिकल करप्शन की। और आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, आंख के नाम पे जो धंधा चल रहा है उसी का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। लेकिन फिर बोलूंगा, करप्शन हर जगह पे है, हर फील्ड में है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं इसीलिए मेडिकल करप्शन की बात करता हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज शायद आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है। लेकिन फिर बोलूंगा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको जो आज का टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कैटरेक्ट सर्जरी के ऊपर हो रहे जो उसमें घोटाला है, घपला है कि बिना बात के सर्जरी की जाती है, 70-80% सर्जरियाँ बिना बात के होती हैं, जहाँ पर जरूरत नहीं होती है। जो स्पेशली ग्रेड वन ग्रेड टू का कैटरेक्ट होता है वो आपके चश्मे से भी ठीक हो सकता है, आपका विजन उससे भी ठीक हो सकता है, तो वहाँ पे जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसको भी ऑपरेट कर दिया जाता है। उसके ऊपर मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिला, और एक डॉक्टर साहब थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, जो बोल रहे हैं कि सर आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे आप खुद संत हैं और बाकी सब डॉक्टर लालची हैं और ऐसे है वैसे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये समाज अच्छे और बुरे लोगों से भरा हुआ है, अच्छे पेशेंट बुरे पेशेंट, अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर, है ना। तो करप्शन तो हर फील्ड में। फिर वो बोलते हैं जी आप बाकी करप्शन के बारे में क्यों नहीं बोलते फलानी फील्ड के। भाई मैं डॉक्टर हूं, मैं सिर्फ मेडिकली जो फील्ड में, जो मेडिकल फील्ड में जो करप्शन है मैं सिर्फ उसको जानता हूं, बाकी चीजों के बारे में सबको पता है मोटा मोटा, लेकिन डिटेल नहीं पता है। डिटेल सिर्फ मुझे मेडिकल की पता है, इसीलिए मैं बताता हूं। और मैं फिर बोल रहा हूं कि एक समय के बाद, एक टाइम के बाद इंसान को यह लगने लगता है कि लाइफ अब एंड आ चुका है, हमारी लाइफ बची कुछ चंद सालों की है, अब जाते जाते मैं कुछ पुण्य कमा लूं, पाप मैंने भी किए होंगे, बस इतना ही है, ठीक है। मुझे कोई अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारे डॉक्टर चोर हैं, और मैं भी कोई संत नहीं हूं भाई, मैं फीस लेता हूं पेशेंट से, तब मरीज देखता हूं, फ्री में मैं भी नहीं देखता हूं, क्यों, मुझे भी अपना पेट भरना है, अपने घर वालों का पेट भरना है, मुझे भी कोई यहाँ आके देगा नहीं, कहने को बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं यहाँ पे लोग। एनीवेज आज का टॉपिक बताता हूँ, आज का टॉपिक है कि ये जो कैंप लगते हैं, ये जो कैंप लगते हैं कैटरेक्ट आई सर्जरी के नाम पे जो कैंप लगते हैं, फ्री कैंप, फ्री आई कैंप बहुत प्रचलित है, और बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल खुल चुके हैं इन आई हॉस्पिटल्स के नाम पे। क्या सच में चैरिटी होती है? यहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक और बात बताई, शायद ये कोई ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ही होंगे जिन्होंने बोला कि जी देखिए मशीन इतनी महंगी आती है, 40 लाख की मशीन आती है, जो फेको जो टेक्निक है जिससे हम ऑपरेट करते हैं वो इतनी महंगी है, कैसे करें, ये है वो है, आपने तो बोल दिया लेंस इतने का आता है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले तो फ्री हेल्थ कैंप के नाम पे जो हो रहा है वो करप्शन आपको बताऊंगा, दूसरा इस मशीन के बारे में बताऊंगा कि ये मशीन फ्री में कैसे पड़ती है कुछ डॉक्टर्स को। जी हाँ, फ्री में पड़ती है, कहने को 40 लाख की है लेकिन कुछ कंपनियां फ्री में दे रही हैं, और कैसे फ्री में दे रही हैं कुछ डॉक्टर्स को वो भी बताऊंगा। पहले बात करूंगा कि ये जो आई सर्जरी के नाम पे जो कैंप लगते हैं, फ्री आई कैंप, यहां पे एक पेशेंट ने भी कमेंट किया हुआ है, सर 300 पेशेंट में से 270 पेशेंट ऐसे होते हैं, पता नहीं डॉक्टर ने कौन है, कि जिनको बिना बात के उठा लिया, जिसमें से हार्डली, वही बात है कि 10-15% ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सच में कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, लेकिन फ्री कैंप के नाम पे वहां पे किसी जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जाता है, या कोई ऐसी ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं आपके टेक्नीशियन लेवल पे जो होते हैं वो चले जाते हैं, और वो जाके डायग्नोस कर लेते हैं जी इनको कैटरेक्ट है, और फ्री के चक्कर में इनको लपेट दिया जाता है। एक आपको एक बात बताऊं, ये जितने फ्री कैंप लगते हैं यहाँ पे, और एक कुछ बड़े जो हॉस्पिटल हैं आई हॉस्पिटल, उन्होंने फेलोशिप भी शुरू करी हुई है। फेलोशिप मतलब ये फेलोशिप कि कुछ जो नए डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट अभी बने हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा सर्जरी का, तो उनको फेलोशिप दी जाती है, आई फेलोशिप, कि जिसमें वो आके सीखें। उनसे करीब करीब 2 लाख रुपए पर फेलोशिप का लिया जाता है
आप सोचिए 20 सर्जरी उनको कराई जाती है, फेलोशिप का 2 लाख लिया जाता है, एक सर्जरी पहले की पुरानी बात बता रहा हूं 10,000 रुपए की पड़ती थी, मतलब 10,000 रुपए उस हॉस्पिटल को या उस सेंटर को मिलते थे एक सर्जन से, जहां पे 20 सर्जरी वो कराएंगे और 2 लाख रुपए लेंगे एक पर सर्जरी सिखाने का, आपको 10-15 हजार रुपए तो इन्हीं से मिल गया हॉस्पिटल को। उसके बाद सरकार पर कैंप में जो पर सर्जरी पे 2,000 रुपए देती हैं कुछ सरकारें, राज्य सरकारें। दूसरी चीज, कुछ एनजीओस इन आई कैंप के नाम पे बहुत सारा पैसा एनजीओ से आता है। आप सोचिए कि आई सर्जरी एक बहुत बड़ा, मैं तो बोलूंगा धंधा बन चुका है, धंधा जहां पे आपको सरकार पैसा दे रही है, जहां पे आपको एनजीओ पैसा दे रहा है, जहां पे आपको फेलोशिप के नाम पे हॉस्पिटल को पैसे मिल रहे हैं। हर जगह तो फेलोशिप नहीं होती, कुछ जगहों पे, लेकिन फ्री कैंप में जितने पेशेंट आते हैं वो सिर्फ फ्री के चक्कर में जाते हैं कि भाई फ्री में मेरा काम हो जाएगा, मेरी आंख नहीं बन जाएगी। अब भाई तुझे जरूरत भी है? सबसे बड़ा सवाल फिर वही आ गया, क्या आपको जरूरत है? आप सिर्फ फ्री हेल्थ कैंप, फ्री आई चेकअप के नाम पे जा रहे हैं और जहां पे कि आपको प्रॉब्लम नहीं है इतनी, लेकिन क्योंकि ज्यादातर जनता ऐसी होती है जो फ्री के चक्कर में, हमारे देश में ना फ्री के नाम पे कुछ भी दे दो, बस फ्री होना चाहिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री आई सर्जरी, फ्री लाना, फ्री दवाइयां, मिल जाए कुछ, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको फ्री चाहिए, और फ्री में कुछ मिलता नहीं है। एक बात का ध्यान रख लेना, जिंदगी में यह बात समझ लेना, फ्री में कुछ नहीं मिलता, मौत भी फ्री में नहीं मिलती है। आप मर के देखो, आप या घर वालों को पता चल जाएगा कि मरना भी कितना मुश्किल है। डॉक्टर नवनीत काला बोलता बहुत कड़वा है लेकिन सच बोलता है। मुझे कितनी बकवास सुननी पड़ती है, कितनी गालियां पड़ती है मेडिकल फेटर्निटी से, वो मुझे ही पता है। किसी दिन ये मेडिकल वाले भी मेरे ऊपर केस कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो फ्री आई कैंप लगते हैं, इसमें ज्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग चले जाते हैं, और चाहे कुछ लोग अनएजुकेटेड भी होते हैं जिनको ये बता दिया जाता है कि आपको कैटरेक्ट है, चलिए आपका ऑपरेशन फ्री होगा। अब आते हैं, उनको लेंस के नाम पे पैसे कई जगह से लिए जाते हैं, कई जगह फ्री कर दिया जाता है, देखा जाता है वो दे सकता है तो दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं। जो लेंस इन कैंप में पेशेंट को डलता है फ्री में, उसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होती है, सिर्फ 100 रुपए से लेकर 300, फोल्डिंग लेंस 300 रुपए का आता है जो इन कैंपों वाले पेशेंट में डलता है। और ऐसा नहीं कि लेंस खराब होते हैं, लेंस ठीक होते हैं, लेकिन वही बात है कि हमें जी, हम तो अमीर आदमी हैं, हम तो फलाना डलवाएंगे, इंपोर्टेड डलवाएंगे, यही लेंस यहां से बाहर जाते हैं और बाहर से फिर पैकिंग होके यूके से और फिर वापस आ जाते हैं, और आपको लगता है ये इंपोर्टेड है, बनते सब गुजरात में, कहां कहां की पोल खोलूं मैं। तो हिंदुस्तानी हो भाई, हिंदुस्तानी माल को थोड़ी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दो, आपका माल खराब नहीं है लेकिन हमें लगता है इंपोर्टेड होना चाहिए। हमें तो 50,000 लगे, हमारे तो 60,000 लगे, हमने 30,000 रुपये वाला लेंस डलवाया, वो बात अलग है कि वो लेंस कितने का आता है। और अब आता हूं कि ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं 40 लाख की मशीन आती है फेको मशीन, बडलिंग किसको कहते हैं, बडलिंग कहते हैं कुछ कंपनियां, और ये मेडिकल फील्ड में बडलिंग चल रही है, जैसे कि लैब टेस्ट वाले हैं, आपको एनालाइजर जिससे लैब टेस्ट होता है, एनालाइजर फ्री में दे दिया जाता है उस मशीन को जिससे टेस्ट किया जाता है, कंपनी फ्री में दे देती है, वो कहती है जी रिजेंट हमारी कंपनी के यूज करो, हम आपको फ्री में ये मशीन दे देते हैं, वो कॉस्ट वहां से निकाल लेते हैं। ग्लूकोमीटर फ्री में दे देंगे, स्ट्रिप उनकी यूज करो, वो स्ट्रिप से पैसा निकाल लेंगे, है ना। इसी तरह से ये फेको मशीन भी कुछ कंपनियां फ्री में देती हैं, वो कहती हैं कि लेंस हमारा यूज करो, लेंस वो उनका यूज करो, हम आपसे 40 लाख रुपए नहीं लेंगे, लेकिन आपको हम लेंस आपको हमारी कंपनी के ही लेने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं बडलिंग। अंदर की बातें सब बता रहा हूं, राज की बातें। और आप कहते हो जी मशीन के तो जी पैसे लगते हैं 40 लाख, ठीक है कुछ लोगों ने अपने पैसों से खरीदी होगी, लेकिन आजकल ये चल रहा है बडलिंग, और जिनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है उनको फ्री में मशीनें मिल जाती हैं, कंपनियां कहती हैं लेंस हमारा ले लो, और पैसे तो फिर मरीज ने देने ही है। और कितने बार वो, और अंदर की बातें और भी हैं, फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह से प्रोब, एक ही प्रोब से 20 मरीजों का ऑपरेशन कर दिया जाता है, चाहे HIV हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, कैंपों में या उस तरह से। ये कोई इजी नहीं है टास्क, मैं मानता हूं सर्जन की प्रॉब्लम से भी, कि अगर वो ऑथेंटिक ढंग से करें ऑपरेशन तो शायद कॉस्टली पड़ेगा उनको और मरीज उतने पैसे देगा नहीं, लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ सर्जरियों में जिस ढंग से कुछ सर्जन ऑपरेट करते हैं या कुछ चैरिटेबल संस्थाओं में जिस ढंग से ऑपरेट होता है, जिस तरह से स्टरिलाइज किया जाता है क्या हर बार उस प्रोब को, क्या एक ही प्रोब से एक ही 20 पेशेंट को ऑपरेट कर देना चाहिए, है ना।
तो ये सारी चीज़ें तो मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा, लेकिन कुल मिला के ये जो बात है कि जी हमारा 40 लाख का मशीन आती है, तो मशीन भी फ्री में मिल जाती है, सिर्फ लेंस, और लेंस का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 रुपये का लेंस है, 300 रुपये का लेंस है, 2000 रुपये का लेंस है, 5000 रुपये का लेंस है, इससे ऊपर लेंस की कीमतें नहीं होती हैं। अब आपको चाहे वो 15000 का बताया जाए, 20000 का बताया जाए, 30000 का बताया जाए, 40000 का बताया जाए, वो मार्केटिंग अलग है लेंस की मार्केटिंग। लेकिन मैं फिर बोलूँगा अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं खाली यहाँ पे इस वजह से ये वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आप आँख बंद, लेकिन अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई मीनिंग भी है। करप्शन हर फील्ड में है, मेरा काम सिर्फ मेडिकल करप्शन से रिलेटेड मुद्दे उठाना है, और ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मैंने सब अच्छे ही काम करे हैं, शायद जिंदगी में थोड़ा बहुत करप्शन मैंने भी किया होगा, मेडिकल फील्ड में भी किया होगा, लेकिन वक्त के साथ मुझे समझ में आया कि नहीं नवनीत, तू जिस काम के लिए बना था तूने एक मेडिकल ओथ ली है, और इस एज ग्रुप में आके स्पेशली लगता है कि भाई जनता के लिए कुछ कर दो, पाप सबने किए हैं, वक्त कभी ना कभी आता है जब आप कहते हैं यार मेरा पेट अब भर चुका है, मुझे इससे ज्यादा अब नहीं खाना है, तो मेरे सामने गुलाब जामुन भी रख दो, मैं रोटी खा चुका हूँ, तू गुलाब जामुन रख दे, तू मेरे आगे हलवा रख दे, मैं रोटी खा के पेट मेरा भर चुका है, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है, मुझे अपनी हेल्थ देखनी है, तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ कह लो, मेंटल हेल्थ कह लो, एक मोरल हेल्थ कह लो, कि मैं शायद मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है नवनीत, 55 साल से ऊपर की उम्र तेरी होने को आई है, और अब जाने कितने साल बाकी हैं, जाते जाते कुछ ऐसा करके जा जो आने वाले लोग तुझे याद करें, तेरे अच्छे कर्मों को याद करें। डॉक्टर तो हर कोई बनता है, और जिस तरह से डॉक्टर अब बन रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारी एज ग्रुप के डॉक्टर्स अगर आपके आसपास हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर अच्छे काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो अपनी मेहनत से डॉक्टर बने हैं, वो उस गरीबी से उठ के ऊपर आए हैं। मेरे पिताजी भी साइकिल पे चलते थे और हिंदी मीडियम का पढ़ने वाला था, अचानक इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन हो गया, अपने दम पे हुआ। मेरी बेटी भी आज एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सेक्रेटरी कर रही है, अच्छे कॉलेज से। अगर मैं चाहता तो मैं उसको प्राइवेट से करा सकता था, पर मैंने नहीं कराया, और ना ही मेरी बेटी करना चाहती थी। वो कहती थी पापा बनूंगी तो अपने दम पे, नहीं तो नहीं बनूंगी। तो मुझे लगता है जैसा बाप वैसी बेटी। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों के बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कुछ मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे भी हैं, बेंगलोर में मणिपाल है, और कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से क्वालिटी सामने आ रही है, तो हमारी उम्र के लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, 50 साल से उम्र के अगर आपको डॉक्टर नज़र आ रहे हैं, इवन 45 से ऊपर के जो डॉक्टर हैं वो ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल वाले हैं। अब जो 45 की एज, 40 साल से कम के डॉक्टर हैं, उनमें से ही आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी मिलेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के भी मिलेंगे। तो मैंने बहुत ही इनडायरेक्टली आपको समझा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि नए डॉक्टर के पास ना जाए, मेरी बेटी भी अब बन के आएगी तो उसकी उम्र भी 28-29 साल होगी जब वो MD कर चुकी होगी, जब वो प्रैक्टिस में आएगी तो 30 साल क्रॉस कर चुकी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब नए डॉक्टर खराब हैं या इस तरह से हैं, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं, नए डॉक्टर हैं, वो इंडिया में रहना नहीं चाहते। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं वो चाहते मैं इंडिया से बाहर चला जाऊँ, तो अच्छा डॉक्टर यहाँ से बाहर चला जाएगा और बाकी कूड़ कबाड़ यहाँ रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ को तो यहाँ रहना ही पड़ेगा अपने देश में, और फिर बोलूंगा ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, फैक्ट बता रहा हूँ। बाहर जाके देखो, ठीक है आप बाहर जाते हो, आप डॉक्टर को बहुत पैसा मिलता है बाहर, मैं मानता हूँ, यहाँ पे जितनी अब पायलट को थप्पड़ मार दिया जाता है, डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया जाता है, ठीक है कंट्री में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन टाइम के साथ फिर भी बोलूंगा कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। और क्या बोलूंगा, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी कहानी, ऐसी ही अपनी कहानी है ना। जैसे भी हैं हम हिंदुस्तानी ऐसे ही रहेंगे। करप्शन हर कंट्री में है, हर जगह पे है। मैं मानता हूँ बाकी कंट्रियों में आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आज अगर वहाँ के डॉक्टर्स को देखो या वहाँ पे रहने वाले लोगों को, सब अपने कंट्री को मिस करते हैं और ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हैं। उनके बच्चों को देखो तो उनकी वजह से भी दुखी हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में अपने बच्चों की वजह से हम लोग दुखी नहीं है, यहाँ पे भी वही कल्चर होता जा रहा है, यहाँ पे भी माँ बाप बहुत परेशान रहने लग गए हैं, ड्रग कल्चर, मॉरल कल्चर, खाने का कल्चर, सब बर्बादी के रास्ते पे हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मेडिकल फील्ड में मैं आगे आया हूँ, बाकी फील्ड में भी लोगों को आना चाहिए, चाहे वो एडवोकेट हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, उनको भी उजागर करने चाहिए अपनी फील्ड के करप्शन। दूसरों के बारे में नेताओं को गाली देना, फलाने को गाली देना, ये तो हर कोई कर लेता है, अपनी फील्ड का करप्शन भी बताओ, तब पता चलता है कि भाई दम उसी बंदे में है जो अपने ही फील्ड की कमजोरियां सामने आकर बताए। मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, बाकियों को मैं मानता हूं करप्शन है, लेकिन उसके लिए कुछ और लोगों को सामने आना चाहिए। और आपको मेरा मेडिकल क्रांति मंच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, 9810416762 पे मैसेज।